नमस्कार, आप सभी का DHP न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की हर बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। मतपत्रों पर लिख दिए वोटरों के नाम, ठियोग ब्लॉक के 3 वार्डों में दोबारा होगा मतदान। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग ब्लॉक के 3 वार्डों में मतपत्रों में वोटरों के नाम लिखने की गड़बड़ी सामने आने पर चुनाव आयोग ने मतगणना पर रोक लगा दी है। इन वार्डों में शनिवार को दोबारा सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा, इसके बाद मतगणना होगी। जैस पंचायत में गुरुवार को मतदान के बाद ग्रामीण खंड विकास कार्यालय पहुंचे। इन्होंने वोटिंग के दौरान पोलिंग पार्टियों की ओर से मतपत्रों पर मतदाताओं के नाम लिखने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। इस पर SDM ठियोग सौरभ जस्सल ने शुक्रवार को होने वाली जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना पर रोक लगा दी। हिमाचल में बारिश, बर्फबारी और अंधड़ का येलो अलर्ट, अधिकतम तापमान गिरा। हिमाचल के मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में शनिवार को भारी बारिश, बर्फबारी और अंधड़ की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में शनिवार को बिजली गरजने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। 24 जनवरी को भी पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों के मौसम में ठंडक बढ़ गई है। शनिवार सुबह उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 113 पदों सहित भरे जाएंगे ये पद। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 113, स्टेनोटाइपिस्ट का 1, क्लर्क के 6, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर व कंप्यूटर ऑपरेटर का 1-1 पद भरा जाएगा। यह पद कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न विभागों से प्राप्त हुए हैं। इन पदों को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817, स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 823, क्लर्क पोस्ट कोड 839, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 844 और कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 848 में समायोजित किया गया है। आशा वर्कर रेशमा बनी BDC सदस्य, स्वास्थ्य के साथ पंचायत राज में भी देंगी सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से सटी नगर विकास खंड की पलचान पंचायत से आशा वर्कर रेशमा देवी BDC सदस्य निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनूप जोशी को 180 मतों से हराया। रेशमा अब स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ पंचायती राज का कार्य भी देखेंगी। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित होने पर रेशमा ने कहा कि आशा वर्कर के तौर पर कार्य करते हुए वे पंचायत की समस्याओं से पूरी तरह से अवगत हैं। प्रत्याशी की जीत के जश्न के बाद घर लौट रहे युवक की खाई में गिरने से मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुवाड़ी की तुरकड़ा पंचायत में एक प्रत्याशी की जीत का जश्न मनाकर बहन के साथ घर लौट रहे युवक की ढांक से नीचे गिरकर मौत हो गई। गुरुवार देर रात हुई घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से शव खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए चुवाड़ी अस्पताल पहुंचाया। राजस्व विभाग ने मृतक के परिजनों को 10,000 रुपये की फौरी राहत दी है। विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला के दस्तावेजों की जांच करेंगे SDM। हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला के सामने आने पर उपायुक्त बिलासपुर ने SDM घुमारवी को जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि अगर महिला की जन्म तिथि से जुड़े सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए विश्व की सबसे उम्रदराज महिला बिलासपुर जिले में होने का दावा करेंगे। महिला हर चुनाव में वोट डालती थी, लेकिन किसी ने भी इनकी उम्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब महिला ने पपलाह में वीरवार को वोट डाला तो आधार कार्ड से उनकी उम्र का पता चला। मृकुला देवी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शुरू होगा स्नो फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर में स्नो फेस्टिवल का आगाज 27 जनवरी को होगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा मृकुला देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद स्नो फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्राचीन लोक नृत्य के साथ शैणी, घुरे, सुगली और होनलू स्नो फेस्टिवल का आकर्षण रहेंगे। कार्यक्रम रावमापा उदयपुर के प्रांगण में होगा। वॉलीबॉल के अलावा पुरुष और महिला वर्ग के लिए रस्साकसी के मुकाबले भी होंगे। प्रशासन ने स्नो फेस्टिवल को लेकर अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी है। खुद स्कूटी चलाकर मतदान करने पहुंचे 102 साल के रूमेल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के विकास खंड फतेहपुर की पंचायत लाड़त के वरो गांव के 102 वर्षीय सेवानिवृत्त कैप्टन रुमेल सिंह पठानिया
खुद स्कूटी चलाकर मतदान करने पहुंचे। देश की रक्षा की खातिर तीन जंगों में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले कैप्टन रुमेल सिंह इस उम्र में भी बिना चश्मा खुद स्कूटी चलाते हैं। इकडोल से पढ़ रहे यूजी के हजारों विद्यार्थी अगली कक्षा में होंगे प्रमोट। इकडोल के जनवरी 2020 सत्र के यूजी डिग्री बैच में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को भी रेगुलर प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की तर्ज पर प्रमोट कर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले को अकादमिक काउंसलिंग से मंजूरी दिलवा दी है। रेगुलर छात्र छात्राओं की तर्ज पर इकडोल के विद्यार्थी भी प्रमोट होंगे। इकडोल में जनवरी और जुलाई माह में दो दो बैच में प्रवेश दिया जाता है। हिमाचल में स्कूल खुलते ही पांचवी और आठवीं के विद्यार्थियों को मिलेगा मिड डे मील। हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से सरकारी स्कूल खुलते ही पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिड डे मील मिलना शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्रीष्मकालीन स्कूलों से पांचवी और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1 फरवरी और शीतकालीन स्कूलों में 15 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। कोरोना संकट के चलते बीते साल मार्च माह से बंद हुए स्कूलों में मिड डे मील का राशन विद्यार्थियों के घरों तक ही पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल पहुंची कोरोना वैक्सीन की 87,500 और डोज। कोविड वैक्सीनेशन के लिए हिमाचल प्रदेश को 87,500 और टीके मिल गए हैं। केंद्र ने पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भेजी है। प्रदेश में 1.25 लाख से अधिक लोगों को टीके 2 बार लगाए जाने हैं। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन सेंटर में डोज भेजने की तैयारियां शुरू कर दी है। पहले चरण में केंद्र से हिमाचल को 93,000 डोज मिली हैं। 87,500 टीकों की दूसरी डोज मिलने के बाद प्रदेश में कोविड वैक्सीन की 1,80,000 डोज पहुंच चुकी है। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का गुरुवार 22 जनवरी को दिल्ली में निधन हो गया। उनकी उम्र 80 साल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह बीते दिनों 3 महीने से बीमार चल रहे थे। इलाज के दौरान दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। नरेंद्र चंचल देवी माँ के भक्ति गीतों के लिए जाने जाते थे। वे 80 वर्ष के थे। अपोलो अस्पताल के सूत्रों के अनुसार उनके मस्तिष्क में रक्त का जमाव हो गया था। उन्होंने शुक्रवार को करीब 12:30 बजे अंतिम श्वास ली। गगरेट में भीषण अग्निकांड में जले वाहन व पशु। थाना गगरेट के अंतर्गत गांव कुठेड़ा जसवाला पंचायत में वीरवार देर रात को आगजनी से लाखों के नुकसान का अनुमान है। जानकारी के अनुसार अज्ञात कारणों से मध्य रात्रि में गौशाला को आग भड़क उठी। आग इतनी भयंकर थी कि पशुशाला में बंधे 4 पालतू पशु भी इस आग में झुलस गए। यही नहीं, जब तक स्थानीय लोग व अग्निशमन विभाग की टीम आग पर काबू करती, तब तक वहां खड़े 2 कारें, 1 स्कूटर व 1 स्कूटी भी आग की भेंट चढ़ गई। इस अग्निकांड में मवेशियों के लिए रखा चारा भी आग की भेंट चढ़ गया। अनुमान के मुताबिक 15 लाख से ज्यादा का नुकसान इस अग्निकांड में हुआ है। हिमाचल में बर्ड फ्लू से 4 और प्रवासी पक्षियों की मौत। हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध क्षेत्र में बर्ड फ्लू से शुक्रवार को सिर्फ 4 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। यहाँ रोजाना मरने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या लगातार कम हो रही है। शुक्रवार को पोंग बांध अभयारण्य के कुल 9 में से सिर्फ 1 ही बीट में 4 मृत पक्षी मिले हैं। इधर पोंग बांध के साथ लगते क्षेत्र में शुक्रवार को 5 और कौओं की बर्ड फ्लू से मौत हो गई। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर संजीव धीमान ने बताया कि कांगड़ा जिले में अब तक 197 कौओं की ही मौत हो चुकी है। ऐसी ही सभी खबरें पाने के लिए और जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल DHP न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल जाए। जय हिंद।